नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन है, उनको देश रोजाना की तरफ से जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के वो दिग्गज नेता हैं जिनसे हरियाणा में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं। पार्टी में कब क्या होना है यह तय करने में वह अहम भूमिका निभाते हैं। हरियाणा की राजनीति के मुखर और मजबूत नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। चारों तरफ से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं सहित तमाम लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि हरियाणा को विकास और प्रगति के नए शिखर तक ले जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वस्थ और सुखी रहें, उनकी दीर्घायु हो। हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस में हुड्डा की क्या भूमिका है, राजनीतिक जानकार से लेकर आम इंसान इससे बेहद वाकिफ है। कांग्रेस में उनका रुतबा इस बात को साबित करता है कि हरियाणा में किसी भी निर्णय में पार्टी आलाकमान हुड्डा की सहमति लेती है। यहाँ तक कि दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेता और बागी हुए नेता भी सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर कांग्रेस ज्वाइन करने से कतराते नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा की राजनीति में वो पद और प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं जिसकी टक्कर में आज तक कोई नहीं है। एक संसद के सदस्य चुने जाने से लेकर हुड्डा का हरियाणा की राजनीति में कद कैसे बढ़ता चला गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म आज़ादी से एक महीने बाद 15 सितंबर 1947 को हरियाणा के रोहतक जिले के सांघी गांव में हुआ। हुड्डा ने अपनी स्कूलिंग करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और ड्यू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन युवा कांग्रेस से शुरू किया। 5 अक्टूबर 1976 को हुड्डा ने आशा दहिया से शादी की। हुड्डा लगातार 3 बार 1991 में, 1996 में और 1998 में सांसद बने और चौधरी देवीलाल को हराकर हैट्रिक लगाई। लेकिन 1999 में वे देवीलाल की पार्टी INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार इंदर सिंह से हार गए। उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई थी। इसके साथ ही वह साल 2002 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रह चुके हैं। साल 1996 से 2001 तक हुड्डा हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हुड्डा हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहतक पंचायत समिति के अध्यक्ष और हरियाणा के पंचायत परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। हुड्डा ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव हरियाणा के पूर्व CM और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को हराकर जीता। हुड्डा पहली बार 1991 रोहतक लोकसभा क्षेत्र से संसद के सदस्य चुने गए थे, जिसके बाद 1996, 1998 और 2004 में भी वह रोहतक सीट से सांसद रहे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद हरियाणा की राजनीति में बढ़ता चला गया, जिसके बाद उन्होंने 1996 से 2001 तक HPC हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार मार्च 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री का सेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पर सजा था। वहीं 5 साल सरकार चलाने के बाद 2009 में जब कांग्रेस ने दोबारा विधानसभा चुनाव जीता तो उन्होंने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन 2014 में सत्ता विरोधी लहर होने के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लोगों को नए नेतृत्व की तलाश थी और BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार सत्ता पर काबिज हो गई। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के 23 दिग्गज नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस हाईकमान से पार्टी में सुधार की मांग की। इन 23 नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे, जिनमें कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी रुतबे के साथ आज भी कांग्रेस में मौजूद हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और लगातार हरियाणा के आम लोगों की समस्याओं पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए आज भी नजर आते हैं। झूठी सरकार, इनका मुखिया भी झूठा, वो यहाँ से चुनाव लड़े, कोई भी एक वायदा इस सरकार ने पूरा किया? 2014 तक हमारी सरकार थी, जैसा चर्चा की, सारा विकास लाडवा का इलाके का हुआ, 4 थर्मल प्लांट लगाए हमने, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आए, मेट्रो लगाई, रेलवे लाइन बिछाई। इस सरकार ने 10 साल हो गया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। क्या किया? जो प्रदेश जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों, पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 था 2014 तक। किस चीज में नंबर 1 बन गया? बेरोजगारी में,
महंगाई में, अपराध में और खेल खिलाड़ी तो जो हो रही है आपके सामने है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि हरियाणा क्या करने जा रहा है। जो हरियाणा का फैसला पूरे देश की राजनीति पर असर करता है। हरियाणा की राजनीति में हुड्डा सरकार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी राजनीति में बेहद सक्रिय और एक जाना माना नाम है। दीपेंद्र के दादा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणवीर सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। देश आज़ाद होने के बाद पंजाब सरकार में मंत्री भी रह चुके। उनके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सांपला सीट से चुनाव जीतकर दो बार सीएम बने थे। हुड्डा अपनी इसी राजनीति की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और अब उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी राजनीति में एक जाना माना चेहरा बन गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में अपने मुखर बयानों के लिए बेहद जाने जाते हैं। विधानसभा चुनावों में होने वाले मुकाबले को लेकर वह साफ कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही चुनावी जंग है, बाकी पार्टी सिर्फ वोट कटवाएं। वह अपने हर बयान में बीजेपी पर सियासी हमला बोलते हुए नजर आते हैं, सुनिए। हरियाणा प्रदेश असुरक्षित प्रदेश है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, मेरी बहन बेटियों को इज्जत नहीं रही इस प्रदेश में, और खेल और खिलाड़ियों का भी देखा है, हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर मंतर पे घसीटा गया था, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये सब बात आपके सामने है। आज सवाल आया है 10 साल के बाद, आज मौका है। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ और घूम रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अगली जो सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में गढ़ी सांपला किलोई सीट पर सभी की नजरें। कांग्रेस ने यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी बनाया, जबकि भाजपा ने सियासी दाव चलते हुए मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया। मंजू हुड्डा रोहतक के नामी गैंगस्टर राजेश उर्फ सरकार की पत्नी है। वे रोहतक जिला परिषद की चेयरमैन है। ऐसे में रोहतक में उनका नाम काफी चर्चाओं में है। अब मौजूदा विधानसभा चुनाव के परिणाम काफी हद तक हुड्डा का आगे का राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे। इसी तरह की कुछ खास और दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।